प्रभात खबर डॉट कॉम विश्वास वही रफ्तार नहीं ठीक है। आप 5 बजे कहते हो काम करो, हम 4 बजे करेंगे, हम 4 बजे करेंगे, मगर हमारी भी कुछ अपेक्षाएं है, कुछ मांगे हैं। तो वही कर्मचारियों को दूसरी फर्म के ठेकेदार को दे दिया जाता है, इसका मतलब जानते हैं क्या होगा कि आपका ठेकेदार नहीं बदला, आप बेच दिए गए, आप बेच दिए गए दूसरे ठेकेदार के हाथों। अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी संघ के लोग हैं जो आज नगर निगम मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें संविदा कर्मी भी हैं और रेगुलर कर्मचारी भी हैं। क्या प्रोटेस्ट का क्या मामला है, किस मुद्दे को लेकर के आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मामला है? अभी नगर विकास मंत्री AK शर्मा और नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय ने एक फरमान जारी किया है कि सुबह 5 बजे से हाजिरी होगी। जो लोग चारबाग से आ रहे हैं या मवैया से आ रहे हैं या पुरलिया से आ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे ड्यूटी है, तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे बच्चों को नाश्ता कराएंगे? ये शासन प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की सोची समझी राजनीति है कि दलित समुदाय के बच्चे न पढ़ सके न लिख सके। जब बताइए, अगर आप ही की माँ सुबह 5 बजे 3 बजे उठेगी, फ्रेश होगी, नाश्ता पानी बनाएगी, उसके बाद 5 बजे कैसे ड्यूटी पे आएगी? ये गलत फरमान है कि नहीं? हमारे लोगों के बच्चे न पढ़ पावे न लिख पावे। दूसरी चीज, आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो लगे हैं, ये नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी और ठेकेदार साठ गांठ करके काला गोरख धंधा चला रहे हैं। ये 13,000-12,000 की जगह 5,000-6,000 रुपये तक देते हैं। अगर कोई कर्मचारी पूछता है कि इतना मुझे कम वेतन क्यों मिल रहा है, तो कहते हैं कल से तुम ड्यूटी नहीं आना, गुलामी करवा रहे हैं, हम लोगों को बलुआ मजदूर समझ रखा है। तीसरी मांग, संविदा कर्मचारी अगर कभी मर जाता है, कोई मृतक हो जाता है, तो उसको समयोजित नहीं करते हैं। जो संविदा कर्मचारी मर जाता है, अगर उसके यहाँ 20,000 सैलरी जा रही है, एकदम से वो गए मरने के बाद उसके ऊपर घास गिर जाती है, उसके परिवार का मुखिया खत्म हो जाता है, ऐसी दशा में नगर निगम प्रशासन उसके पूरे परिवार को मारने का काम करता है, ना उसको समयोजित क्यों नहीं करता संविदा कर्मचारी? कितने लोग हैं आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, कितनी संख्या है लोगों की यहाँ पे? 2,500 3,000 लोग हैं। लखनऊ में 15,000 लोग हैं, लेकिन सभी लोग इधर उधर धूप की वजह से खड़े हैं। और हम लोगों की मांग है कि संविदा को नियमित किया जाए, आउटसोर्सिंग में जो काला गोरा धंधा चल रहा है उसको खत्म किया जाए। नगर निगम प्रशासन उपकरण के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, इसकी जांच होना चाहिए। किसी सफाई कर्मी को उपकरण नहीं देते हैं, निरंतर सफाई कर्मियों की मौतें हो रही हैं। अभी 2 मौतें राजाजीपुरम के लोग मरे हैं शिविर में, 2 लोग रायबरेली में खत्म हुए, 1 गंभीर रूप से ट्रामा सेंटर में भर्ती है। ये लोग बिना उपकरण के शिविर में उतारने का काम करता है। इन सब मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चाय किया था। हाँ, क्या फरमान है उसको लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना मंत्री का? उसको भी ले रहे हैं हमारी विभिन्न समस्याओं से। आज स्वच्छता समाज पे का शोषण उत्पीड़न अत्याचार चरम सीमा से ऊपर है। काम कराने वाला आज ऐसी में बैठा है, माला माल है, और काम करने वाला भूख प्यास से बेहाल है, परेशान है, खून के आंसू रो रहा है, ये उसकी लड़ाई है। और मंत्री जी ने जो फरमान जारी किया है, बता रहे हैं आप, ये तो गुलामी बंधुआ मजदूर वाला फरमान है। क्या फरमान है? सुबह 5 बजे से हाजिरी दो, उसके बाद टाइम भी नहीं बताया जा रहा है। सुबह 5 बजे हमें नगर निगम का कोई जियो, कोई लेटर, कोई जो उस पर नियमावली बनी उसका लेटर जारी करे कि ये जारी है, आपकी हाजिरी इतने बजे से इतने बजे तक है। हम लोगों की भी सुनना चाहिए। तो आप लोग कुछ मान रहे हैं उनकी बात, नहीं मान रहे? हम लोग ड्यूटी का फरमान जारी किया, ड्यूटी कर रहे हैं, और अपना 1 दिन शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं उनको नींद से जगाने के लिए। तो ये है जो कर्मचारी हैं लखनऊ में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो मंत्री हैं AK शर्मा, उनका जो फरमान आया कि 5 बजे से आप लोगों को काम करना है, सफाई करनी है, उसको लेकर नाराजगी है। कुछ और मुद्दे हैं जिसको लेकर नाराजगी है, इन सारी मांगों को लेकर के नगर निगम मुख्यालय पर जो सफाई कर्मचारी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।